Hello friends, you are welcome in Based Info Tech. In this video, I explain you how to add or edit nationality in computer in club software. So guys, सबसे पहले हम जाते हैं सॉफ्टवेयर में. स्टेप वन हमारा होता है लॉगिन का. अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो तो आप डायरेक्ट मॉड्यूल में जा सकते हैं. अब हम जाएंगे मास्टर मॉड्यूल में, उसके अंदर प्रीक्विस्टिव सेटअप, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे नेशनैलिटी में. नेशनैलिटी पर हम क्लिक करते हैं, हमें एक फॉर्म ओपन हो जाता है. यहाँ पर हम नेशनैलिटी नेम डाल देते हैं, जैसे आई एम अ इंडियन. मैं यहाँ पर इंडियन टेस्ट के नेम से नेशनैलिटी डाल देता हूँ, और इसे मैं मैप कर देता हूँ इंडिया से. अब मैं इसे ऐड करता हूँ, तो ऐड करने के बाद मेरे पास मैसेज आता है इसे सेव करने का. मैं इसे यस कर दूंगा और ओके कर दूंगा. तो अभी आपने देखा कि मैंने कैसे जो है नेशनैलिटी को मैंने ऐड किया है. अब मैं इसे एडिट करके दिखाऊंगा आपको. एडिट करने के लिए मैं एडिट वाले बटन पर क्लिक करूंगा, और जैसे कि मैंने जो डाटा है आपको ग्रिड में दिख रहा है, अगर डाटा ज्यादा होता है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. और अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंडियन टेस्ट जो डेटा था इस पर रो पर मैं डबल क्लिक करता हूँ. डबल क्लिक करके जो है मेरा जो डेटा है वो वापस आ जाता है. अभी मेरी जो नेशनलिटी थी वो इंडियन टेस्ट थी. अब मैं इसे इटालियन टेस्ट बना देता हूँ, और मैं इसे मैप कर देता हूँ इटली से, और इसे अपडेट कर देता हूँ. तो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने कैसे नेशनलिटी को ऐड किया और कैसे जो है नेशनलिटी मैंने अपडेट की है. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.